जब दो लोगों के बीच संबंध विच्छेद हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, उसको लगाइएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। सर ये इतना बड़ा सूत्र है कि आपके मन को तमाम तरह की चिंताओं से मुक्त रखेगा। दुनिया में हर इंसान के कई चेहरे हैं, मेरे तो इतने हैं कि मुझे पता ही नहीं। हम सिगरेट नहीं पीते, हम शराब नहीं पीते, हम तो पराई स्त्री देखते ही नहीं, तब जिंदा क्यों हो, कर क्या रहे हो दुनिया में। अब जब भी आपको ऐसी घटनाएं पढ़नी है, कैसी, जब दो लोगों के बीच संबंध विच्छेद हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, उसको लगाइएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। सर जिंदगी सूत्रों पे चलती है। अगर आपको किताबें समझ में नहीं आ रही और सूत्र समझ में आ गए, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। मैं इस पर चर्चा करने वाला हूं किसी दिन, सूत्रों पर जीवन। सर ये इतना बड़ा सूत्र है कि आपके मन को तमाम तरह की चिंताओं से मुक्त रखेगा। आपके दुश्मन हैं तो मन उधर लगेगा, आपके दोस्त हैं तो मन उधर लगेगा। और दोस्त दुनिया में दो होंगे मैक्सिमम, जो आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है और आप उनके लिए लड़ने को तैयार हैं। वरना तो दुनिया में सबसे चुनौतीपूर्ण काम है एक दोस्त का मिलना। तो एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, सूत्र बड़ा प्यारा सा सूत्र है। जब भी ऐसी घटनाएं आप देखें जहां संबंध विच्छेद हो रहा है, आपस में झगड़ा हो रहा है, साथ में रह रहे थे फिर झगड़ा हो रहा है, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में यूएस और यूएसएसआर साथ में रह रहे हैं, लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, खत्म हुआ, वैसे ही झगड़ा होने लगा। तो किस कैसे शुरू हुआ और कैसे ब्लास्ट हुआ, इसका बड़ा प्यारा सूत्र है। अब दुनिया में मैरिज और डाइवोर्स के तीन चरण हैं, मैरिज और डाइवोर्स इसके तीन चरण हैं, तीन आमतौर पर इसके तीन चरण होते हैं। मैरिज का पहला चरण है केयर। केयर आमतौर पर बदल जाता है अफेयर में। खाना खाया, एनसीईआरटी मिल गई, नोट्स तैयार हो गए। जब भी तुम्हारे में कोई अननेसेसरी इंटरेस्ट लेने लगता है तो समझ लो वो तुम्हारे करीब आ रहा है। अरे भैया हम खाना खाएं ना खाएं तुमसे क्या मतलब, और तैयारी करने आए हैं तो एनसीईआरटी ले ही लेंगे, नोट्स अरेंज ही कर लेंगे। जब भी तुम में कोई अननेसेसरी इंटरेस्ट लेने लगे समझ लो तुम्हारे करीब आ रहा है। केयर जनरली टर्न्स इनटू अफेयर। इसलिए हॉस्पिटलों में जो हमारी बहनें हैं जो सेवा करती हैं उनको हम सिस्टर्स कहते हैं। ये मेन वजह है, क्योंकि वहां जो केयर है वो ऑफिशियल है। मां बेटे का प्रेम किस पे टिका हुआ है, केयर पे। खाना लेके खड़ी है बेचारी, बाबू साहब वीडियो गेम खेल रहे हैं, वो आधे घंटे से खाना लेके खड़ी है, ये केयर ही तो है। और अफेयर जनरली टर्न्स इनटू मैरिज, डिपेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस पर डिपेंड करता है। अच्छा, दुनिया में हर इंसान, मुझको मिलाकर, मुझको जब भी मैं ऐसी बातें बोलूं तो मुझे मत छोड़ा करो, मुझे भी ऐड कर लिया करो। दुनिया में हर इंसान के कई चेहरे हैं, मेरे तो इतने हैं कि मुझे पता ही नहीं। दुनिया में हर इंसान के कई चेहरे, हर इंसान, कोई इंसान बिना चेहरे के है ही नहीं। और जिसके सारे चेहरे खो गए वो बुद्ध हो गया, वो मोहम्मद हो गया, वो जीसस हो गया, फिर वो इस दुनिया का है ही नहीं। अब मेरा एक चेहरा मेरे परिवार के सामने है, मेरा एक चेहरा समाज के सामने है, मेरा एक चेहरा मेरे दोस्तों के सामने है। इसलिए जब भी किसी से मिले तुरंत डिसीजन ना लें,
आप देखो बहुसंख्यक लोगों को जब पावरफुल शक्तिशाली लोगों के सामने आते कैसे बिहेव करते हैं। जी सर चाय पीते हैं पांडे जी? नहीं जी। अब साहब ने कह दिया हमें तो चाय पसंद नहीं। साहब हमें भी पसंद नहीं है साहब, हम भी चाय बिल्कुल, हम तो साहब बचपन से नहीं पीते साहब, हमारे पिताजी देते थे हम तो ऐसे गिरा देते साहब, हम तो पीते देखते नहीं साहब, हम तो चाय की दुकान की तरफ से आंख बंद करके जाते हैं साहब। और हर व्यक्ति का चेहरा उसे करीब आने पर दिखाई पड़ता है। तुम व्यक्ति के जितने करीब आते जाओगे आप देखो जब अफेयर चलता है लोगों का कितना मजा आता है दोनों पार्टी को, क्योंकि अफेयर जो है उसमें दोनों अपना आइडियल चेहरा दिखाते हैं। हम सिगरेट नहीं पीते, हम शराब नहीं पीते, हम तो पराई स्त्री देखते ही नहीं, तब जिंदा क्यों हो, कर क्या रहे हो दुनिया में। लेकिन जब विवाह हो गया, जब आमने सामने आ गए, तब तो दूसरा चेहरा दिखाई पड़ेगा। आप जब ट्रेन में सफर करते हो, आप जब प्लेन में तो खैर लोग कम बात करते हैं दूसरे से, बड़े शाही लोग चलते हैं, लेकिन हम जैसे हम ट्रेन में सफर करते हैं तो बड़ी जल्दी दोस्ती हो जाती है, बड़ा जल्दी एक दूसरे से। और कॉफी मंगाए तो पहले आप, नहीं नहीं सर पहले आप, सर पहले आप लेंगे, और उसी आदमी से 10 बार मुलाकात होती है तो अबे तबे शुरू हो जाता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति पर तत्काल निर्णय कभी ना करें, कभी नहीं। बचपना क्या है? तत्काल निर्णय। बचपने की कुछ कमियां हैं, कुछ फीचर्स हैं, उसमें एक फीचर यह भी है तत्काल निर्णय। अब दो प्रेमी युगल ने शादी कर ली, और जब शादी कर ली तो हस्बैंड पहले दिन निकला खैनी बनाते हुए, लेडी ने कहा अरे तुम खैनी खाते हो? हाँ सुबह सुबह खाता हूं, एक टाइम खाता हूं, और वहीं से शुरू हो गई रिफ्ट। अब जब आदमी आपके प्यार में होता है ना तो बहुत बड़ी बड़ी उपमाएं देता है आपको कि क्या सिगरेट पीते हो यार शाहरुख खान की तरह, और वही व्यक्ति जब आपसे नफरत शुरू करता है तो गाली देना शुरू कर देता है कि दिमाग मत क्या खराब किया, ज्यादा बोल दो दिमाग खराब हो जाता है। जब व्यक्ति आपके अच्छी बातों का भी विरोध करने लगे समझ लो कोई बात हो गई है, क्योंकि प्यार में तो आदमी गलत बातों का भी समर्थन करता है। रिफ्ट, अगर रिफ्ट संभाली नहीं गई तो स्ट्रगल संघर्ष शुरू हो जाएगा कि मेरा एटीएम मत यूज करना और कार की चाबी रख दो, और अगर संघर्ष संभाला नहीं गया तो विस्फोट हो जाएगा, ब्लास्ट। पता लगा दोनों ने एक दूसरे का बाल पकड़ा, मार जूता हाथ, संबंध खत्म। तो जब भी तुम ऐसे कोई घटना पढ़ोगे तो इस सूत्र का इस्तेमाल करोगे, बड़ा प्यारा सूत्र है ये बड़ा प्यारा फॉर्मूला है, बहुत प्यारा। कौन सा फॉर्मूला? रिफ्ट, स्ट्रगल और ब्लास्ट। जैसे हम सूरज स्प्लिट पढ़ेंगे इस फॉर्मूले को लगाएंगे, हम त्रिपुरी क्राइसिस पढ़ेंगे इस फॉर्मूले को लगाएंगे कि झगड़ा शुरू कहां से हुआ, फिर वो संघर्ष में कैसे बदला, फिर विस्फोट कैसे हुआ, और पूरी कहानी हमारे सामने होगी। जैसे आप रशियन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे इसको लगाइए कि कैसे राजशाही और जनता के बीच रिफ्ट शुरू हुई। सर किसी भी क्रांति को पढ़ने का बड़ा शानदार फॉर्मूला है ये, अरबों रुपए का। कल इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।